सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू इस्ट मौजूद हाँ सोनीपत में। आप मेरा ऊपर लगान देखोगे ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज है और ये जो नीचे मानस है जो रोहन आस कर देखने ला रहा है इसका नाम है बनी सिंह। मेरे तरफ शिकायत आई है बनी सिंह जो है मास्टर जो बनी सिंह जो इसने ऑपरेट कर रहा है इस सारा कॉलेज ने वो बड़का ने पिट है। और एक तरफ तो आपने को हमें बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बाढ़ पिट नहीं चाहिए, इसका नु रुका पड़ रहा है बालका ने पिट है। मेरे तरफ शिकायत आई है, देसी पड़ताल करांगे इस शिकायत में कितना दम है। आज मेरे राम राम भाई, राम राम जी, राम राम, राम राम जी, राम राम। बैठे हो उगड़ू बैठे हो भाई तुम कि मैं बस जी क्या करा जी ठल्ली बैठे जी खाली बैठे काम तो आदनी जी कुछ एक काम धंधे ना जी कुछ बैठे ठल्ले अपना आराम ते मोबाइल लेके बैठ जाओ कि मैंने कम कर जी, अरे मोबाइल लेके कम तो हमारी वीडियो देख लो खाली ना बैठो बस वीडियो देखा देख हमारी वीडियो देखा रहो घनी देखा जी हम तो वीडियो सारी देख रखी है शेयर भी करा रहो भाई शेयर तो ये भैया शिकायत नहीं आनी चाहिए अग खाली नहीं बैठे पाए देखो वीडियो देखे जा रहा हमारी और शेयर कर दिया रहो क्योंकि जागरूकता तो आओगी कि मन की में आ जाता है जी। चलो ऊपर है नहीं ये कॉलेज ज्योति टाइपिंग स्टेनो कॉलेज। चलो भाई देसी पड़ताल करांगे। देखो भाई ज्योति टाइपिंग कॉलेज राम राम भाई राम 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 भाई अड़ते हो ना अंदर एक मिनट एक गुड़िया एक मिनट आइयो इधर एक मिनट यहाँ लाइक में आइयो आज भाई मिठाई खाओ तुम तरह अरे मिठाई खाओ मन नो रुका पड़े अड़ बोले अड़ पिटाई हो तो मिठाई खाओ की तो पिटाई खाओ फिर मिठाई खाओ हैं अब पहले तो ना ना दे तू भी पहले पीते हैं फिर मिठाई पिटाई हो नहीं बिल्कुल भी नहीं रुका तो बढ़ रहा है बोला पिटाई बोला पिटाई नहीं बोला मिठाई है अरे मिठाई तो भाई पिटाई और देखा मित्रों की नहीं है चलो जी राम राम जी एक मिनट शकल तो बनी सिंह आप हो भाई साहब मिला तो हमारा बाहर था लग रहा था मैं नुआ देखूँ था मई मानस लखावे तो हैं इसके है ऊपर वो बाहर फोटो लग रही जो और भीतर टंडे चल रहे हैं भाई साहब यार गलत बात है मार तो रहे एक शिकायत आई आपकी भाई पिटाई कर बोला पिटाई को नहीं है मिठाई है हमारे पास राम राम जी सभी को भाई साहब इसी से काम कर नहीं ये उस तरह से नहीं तो सिस्टम बदल गया भाई साहब एक मिनट है नहीं हमारे पास ना पहले सर ऐसे रहे हो कि मैं आप नहीं पिटो क्यों नहीं पिटते तो हैं उसके लिए मैं आपको सबूत भी दिखा देता हूँ खुल गया राज भाई बोला पर्दा है पर्दा है पर्दे में रहने दो पर्दा उठ गया तो राज खुल जाएगा डंडा तो पाएगा भाई सबूत जो मारे पे जो इसका मतलब मारे पे जो शिकायत आ रही वह साची है। हाँ पिटाई होती है यहाँ स्वीकार कर ली भाई मास्टर जी ने हाँ सिंह जी ने कबूल लिया है भाई पिटाई होती है। हाँ यहाँ पर पिटाई होती है बच्चे लड़के की भी होती है लड़की की भी होती है लड़के ने पिटो हाँ जो भी आता है यहाँ सबकी पिटाई होती है पीछे गया थेरेपी है भाई साहब बोले पिटाई हो है बोले कोई तो नुकार है बोले भाई साहब हम पिट दे नहीं ये बच्चे हैं तो बिरा नहीं किए तो क्या कहता हुआ गुड़िया तो बोले बोले पिट दे को नहीं आपको पिटाई हो है ये पिटाई है थेरेपी है। देखो ये पिटाई जो है पहले आपको समझना पड़ेगा भाई जो हम यहाँ पर क्या सिखाते हैं यहाँ पर ये शॉर्ट हैंड टाइप का इंस्टीट्यूट है हमारे पास वही बच्चा आता है जैसे गवर्नमेंट जॉब कोई भी निकलती है स्टेट लेवल पर हो या सेंटर लेवल पर तो जब वो रिटर्न क्लियर कर देता है उसके बाद अगर एलडीसी का बच्चा है या शॉर्ट हैंड का स्टेनो का बच्चा है तो उसके टेस्ट के लिए आता है। अच्छा। बड़ी मेहनत से रिटर्न क्लियर होते हैं वैसे ही क्लियर नहीं हो जाते बच्चे तीन तीन चार चार साल पढ़ते हैं और एक टाइप या शॉर्ट हैंड के कारण उनकी नौकरी रह जाए तो इससे बड़ा तो श्राप नहीं होगा ना कुछ भी। अच्छा मतलब एक तरफ तो टाइपिंग एक तरफ फाइटिंग टाइपिंग और फाइटिंग फाइटिंग के लिए ये है और नू भी सुनवा आया है जो आप मतलब जो जिसमें दिक्कत हो उससे तो या पिटाई और जो ठीक चलो उससे या मिठाई नहीं मिठाई तो आज कुदरती इत्तेफाक में दिया चलो मैं भीतर एक बार थोड़ा है ना देसी पड़ताल कर लूँ बाल काम पूछ लूँ आज आप गले गले मैं एक बार नोनिया मोशा करवा दें बच्चे आपके राम राम भाई राम राम अरे भाई अरे एक रुका पड़ रहे हैं बालका ने पिटे हैं पिटाई बिल्कुल होती है जी यहाँ पे पिटाई देखिए चाहते बोले बिल्कुल होती है पिटाई अरे पिट के केक काटो एक मिनट हम तो स्टाफ है जी स्टूडेंट आप स्टाफ में हो ना पिटाई हो ना पिटाई तो तारी पिटाई होगी नहीं अभी तक तो नहीं स्टाफ बनी जी बताओ सीखना आया रुटाई सीखना लगे क्या था डंडा ना ये बतो नहीं अच्छा ले रहे हाथ में गले गला चलो बात एक गलती करेंगे तो लग भी जाए क्या बात सीखे तो ये अच्छा चलो
हाँ जी बने सिंह जी पुरान के हैं। ये स्टेनो के बच्चे होते हैं, शॉर्ट हैंड लैब है। अच्छा 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 अच्छा, ये स्टेनो है। राम राम कर दो हमारे दर्शक ने। राम राम कर दो। तेज आंसर। राम राम। राम राम। राम राम। क्या बात। आप भी कर दो भाई। राम राम। लाग लिए डंडे। लाग लिए भाई। लाग लिए। लाग लिए। अच्छा सुबह सुबह लाग जा मैं तो। अच्छा अच्छा ये सो, ये तो शॉर्ट हैंड है, इसमें तो चलो चल जाएगा डंडे। टाइपिंग वाले डंडे लाके उनकी आंगली क्यों कर चलेंगे फिर? मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है डंडा मारने का, तो इस तरह से मारा जाता है। तो इस तरह से मारा जाता है भी, जिससे बच्चे को जैसे टाइप में भी कोई दिक्कत ना आए। फिर इनकी वैकेंसी कटवा दो कोई हैं पिटाई वाली। नहीं है तो बस थोड़ा है इनको मोटिवेट करने के लिए किया जाता है। अच्छा। ऐसी हमारी वो कोई इंटेंशन नहीं है इनको वैसे लठे मार मार के जैसे। एक मतलब संकेत दो आप ये भाई, नहीं स्पीड बढ़ी या जो मैं चाह रहा हूँ आप लोगों से उम्मीद लेके चल रहा हूँ, क्योंकि भविष्य का सवाल तो उनका है। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि आप तो उन्होंने कहा बोले अपनी लाशी ने कोई खट नहीं बता करता, इन्हें पूछ लिया। लगे आपके भी? नहीं नहीं लगे। बाकी थोड़े दिलों जैसे अच्छा काम नहीं करोगे तो। यानी कि ये भी है जौन सा अच्छा काम पहले पता चल जाए, पिटाई होगी तो पिटाई की बजाय काम अच्छा कर लो तो मिठाई मिलेगी। इंतजार नहीं कर रहे हैं ये करने, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ही हो जाए तो पिटाई की होगी। इम्प्रूवमेंट करेंगे ना, इम्प्रूवमेंट करेंगे, और अगर पिटाई होगी तो भी वो हमारे भले के लिए ही होगी। मिठाई जैसी है वो। इसे सेंटर नहीं देखे होंगे, पिटाई में मिठाई वर्गा मानना है। अरे का तो मन मानू होगा प्रसाद है, तो मिल गया प्रसाद आपने। इंतजार है प्रसाद का, इंतजार कर रहे हैं। एक बार हुई है? एक बार, एक बार खुली की मन्ना सुनाड़ी ही। उससे क्या होता है हेल्प ही मिलती है अपना इम्प्रूवमेंट करने, मतलब प्रेशर रहता है ताकि आगे पिटाई ना हो। अच्छा, अच्छा। बेटर करने का। एक बार जी भी पिटाई हुई, कितने देर तक चरमराट रहा थोड़ी इतनी मारते हैं अच्छा लगे कि हथेली पे लगे हाथ पे? ये वाला हथेली पे लगे हैं कौन से पे लगे था? दोनों इतना थोड़ी ध्यान रहे। अच्छा पिट भी लिया और फिर ध्यान भी रखो, उन्हें इतनी टेंशन नहीं लेनी, पिट के तो भूले जाओ, ऐसे ऐसे बालक नहीं मिलने भाई। चलो जी, तो स्टेनो वाला है ये इधर का, और उधर का टाइपिंग का देखा जी। यूपी से। अच्छा लग लिया आपने? नहीं अभी नहीं, अभी मैं बैठे प्रिपरेशन कर रहा हूँ, नए आया अभी हम जी। और आपने नून बिराड़ा पीटे हैं? नहीं पिटाई के लिए ही आया कि पिटाई से पढ़ाई अच्छी हो जाती है। पिटाई की थेरेपी लेना आया जी जी। लटकाने का तो लटका रहे वो। चलो जी हम पहुंच गए हैं भाई टाइपिंग सेंटर, जो ज्योति टाइपिंग कॉलेज है, स्टेनो कॉलेज है, उसके भीतर कुछ है। थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा भाई लोगों, आपको डिस्टर्ब करूंगा भाई। डिस्टर्ब होने तैयार हो? तैयार हो डिस्टर्ब होने? चलो थारा हूँ तो डंडे लगते रहे हैं, आज फिर लग जाएंगे थोड़ा मेरा वजह से, तुम डिस्टर्ब हो गए तो काम छुटेगा तो हैं। हाँ जी पिटाई हुई सर अभी जो इनकी है 4 दिन पहले, अभी जो इनकी है 4 दिन पहले पिटाई होने वाली है। पता नहीं सर, पिटाई को मिठाई समझ रहे हैं, पिटाई नहीं मिठाई है। बिल्कुल सर उसी से आएगा हमें। आपने भी मतलब नहीं पता था लड़ा पिटाई हो इसीलिए ज्वाइन किया? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, बस यहाँ अच्छा सिखाते हैं तो इसलिए ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं सर, मार से ही सीखेंगे हम लोग। खास बात है बच्चे। हाँ जी जी अभी स्टार्ट किया 1 महीने से, अभी पिटाई नहीं हुई। एक बात है जिनका लग रहे हैं अपन को एक्सपीरियंस होल्डर कौन है जो पिटे बैठे पहले? अभी स्टार्ट किया सर। अभी स्टार्ट किया, अभी स्टार्ट किया आपने? वो तो मेरा होगा पिटाई हो है यार, अभी स्टार्ट किया सर ने बोला है। दिन लगदा डर नो सर रखे आगे। हां सर दो बार पिटाई, दो बार पिटाई की थेरेपी हुई है भाई की, इनकी थेरेपी हो चुकी है, इनका तजुर्बा इनका अनुभव लेते हैं। नाम क्या भाई का? सर विशाल। विशाल जी पिटाई के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर नानी की नानी याद आती है। हाँ जी नानी याद आती है, नानी की नानी, नानी की नानी, मतलब मैं बोला मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। यस सर नो वर्ड्स। तो क्यों मतलब इसे काम क्यों करा भाई, पिटना पड़ा सर कुछ गलती हो जाए उसके लिए पिटाई भी? दोनों हाथों पर इस पे लग रही सर, अभी नहीं दे पहले वैसे पूछ रहा हूँ। थेरेपी हो रही है? नहीं कहा था नूबी कहा था बोले प्रसाद है, बोले हमारी जो ब्लॉकेज ब्लॉकेज खुल जाए। बोलेगा प्रसाद, बोलेगा प्रसाद यस सर, बोलेगा प्रसाद में दम है। यस सर। चलो स्पीड क्या आ रही है आपकी सर? 35 आ रही है अभी। 35
मिनट यस सर हाँ जी पर मिनट है ना हाँ पर मिनट हाँ जी आप सिखाओ सीखो हाँ रुपये का मास्टर लगा पेपर हो रहे भी सीखना ही पड़ेगी ना पहला की तबीयत हो जाए पेपर है हाँ रिपीट रहे हाँ पा तो ये फिर पिटना एक महीना होया हाँ ये इतनी तक लग गया नहीं हाँ देसी देसी छोरा सकूल अपना लग दे रहा है के फर्क पड़े है भी लग तेरा के बिगड़े है पता हाथ में लागे पाछे लागे शुरू में लाग लिए वे स्कूल में हां पक रहे हैं हां हां जी लागे कोने हैं लागे कोने लागे हम कौन तेरे तो मैं दिख तेरे को लागे तेरे ध्यान नहीं समय तो सुनते कौन दू मारियन सुन रहा काम में मगन स्पीड क्या कर शांति शांति हैं शांति तेरे को लागे फिर शांति आवा तू प्रसाद भी धर रहा कहीं तो दूसरा धर रहा है यू प्रसाद धर रहा है इसके घर लागे तू ये तो ही लगा ले हाँ जी पिटाई मिठाई है जी सर जी वधी साहब के कौन सा वेद में लेकर क्या भाई कौन से उपन्यास में लेकर क्या पिटाई मिठाई है बनी सिंह के उपन्यास में लिख रखे अच्छा बनी सिंह के उपन्यास में हाँ जी भाई साहब बोलो यही बात है हाँ यही बात है जी के बात है मन दे बेक महीना होया जी आते ने ठीक पर मास्टर ने कह रखे दिवाली के पाछे खूब पिटेगा पिटेगा तैयार रही हो है हां और के तैयार है जी चलो जी जीव लाग लेंगे उस पाछे पूछेंगे कि सर मजा हां जब पूछ लियो जी हां और के जीव तो ही तो कुछ लाग गया नहीं जी लठ लूट बाकी कह रहे हैं कि दिवाली के बाद जहां तक है हो सकता है दिवाली तक की छूट दे रखी है दिवाली तक दिवाली पर भारी ऑफर है भारी छूट है और बम्पर ऑफर है जी सर लेकिन थारी दिवाली पर से कसर भी कटेगी कोई बात नहीं सर हमारे लिए फायदा है सर उसका है? भी फायदा ही है उसका क्या रहो जी सर जी सर हाँ जी अभी दिवाली तक भाई मौसम ठंडा हो जाएगा और आग लगे यारा हाथ पे लगे हुए और पाछा लगे उस मंत्र हुआ है शर्मराट कुछ ज्यादा हुआ है अभी नहीं हुआ सर कुछ अभी स्टार्ट ही किया मैंने भी अभी स्टार्ट किया हाँ दो हफ्ते पहले पहले प्यार है यस सर पिटाई का हाँ जी लगे अच्छा आप भी दया आ जाती होगी क्यों दया क्यों आएगी काम नहीं करेंगे तो पीटेंगे हाँ जी सही बात है पिटाई के लिए तैयार है कसुते हैं वहाँ तो बालक छोरे छोरे कसुते हैं पीटने का तैयार बैठे सर अभी तो लगे नहीं दिवाली के बाद पिटाई शुरू होगी आपके मैं आपके लिए तो सिफारिश करूंगा अभी इनका ना मारियो क्योंकि आपके लग गया थोड़ा तक सर काम नहीं करेंगे तो सबको लगने चाहिए काम नहीं करोगे तो लगेंगे इससे अच्छा एक तरीका है तरह सब तो सुझाव है भाई इससे पहले कि बनी सिंह का डंडे से पिटाई हो ध्यान दे लो स्पीड बढ़ा लो बढ़ा रहे सर हाँ जी डंडे की स्पीड बढ़ाओगे अंगलियां की स्पीड बढ़ेगी अंगलियां की जी बच के रहना रे बाबा हैं अभी पिटाई नहीं हुई इसे लग गए हैं बालक सारे बाट देखे हैं पिटन की ये लठ मार मार के सीधे बना रखे तुम्हारे बाट देखो आप तो ऐसा इस टाइपिंग कॉलेज में एक रुका पिट रहे हैं बट जिसकी पिटाई हो जिन्हें वो समझ लो परम पार है हैं आर पार लग गए जी जब बता कुछ स्पीड हो गई कुछ ठीक बात जो टपू की चलाया कदे हां रोज चलाऊं कुछ चलाया रोज चलाऊं रोज चलाओ नहीं जी उसके लग गए नहीं पता लगन थोड़े जी स्पीड दे मैंने हां जब कामयाब होना है हां भाई चलो चला रखा तो टपू की चला रखा जी चला गया स्पीड बढ़ाई उसकी हैं स्पीड बढ़ाई पूरी हां ऊपर बढ़ाई बेरा होगा बेरा है तो ही स्पीड बढ़ जाएगी चलो जी स्पीड बढ़ जाएगी हैं लागे बस आप हैं ना भी लग गया महीना होया अभी दिवाली चालू हो जाएगा इसका कौन सा तो अंदर लग गई कर दो हम जी वेर वेर हां जी ले ले लता ले लता हां बहुत दूर से पिटने आया ये बहुत दूर से इतनी दूर से आपसे पैसे पिटने के लिए आए हो पीटने के लिए या पीटने के लिए पीटने के लिए देखो मैं इसको समझाता हूँ देखो ये ऐसे 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 वहाँ पे लगता है लद्दाख में होती है पिटाई होता है मजा आता है नहीं इब्बे आऊँ सर मैं तो मैं ना फंसे आई तुम्हारे पीटेगा पीट लेंगे सर कोई ना बच्चे में हौसला है पिटाई के प्रति चलो मैं एक संदेश भी देना चाहूँगा पिटो भी और आगे बढ़ो भी और यह पिटाई तारा भला खातर जाए तो बनी सिंह जी को या पिटाई नहीं या मिठाई है
तो बनी सिंह जी लुक गए मेरे ख्याल से, मेरे सवालों से बच के थोड़ा। हाँ जी, लगे आपको? नहीं लगे। नहीं नहीं नहीं, मैं सिफारिश करूँगा आपके लिए, बनी सिंह जी सुन रहे हो तो इनकी पिटाई करो, तैयार बैठे पिटने। हम अपनी तैयारी कर लेंगे ना। अच्छा, तो ना लगे पक्का देख दो। आप लोग देखो हमारी वीडियो, हमारी वीडियो देख रहे हो हैं? आओ मजा सा देखो वीडियो। आप कोई पिटाई हो चो ना हो, आपने हमारे वाली वीडियो इनको दिखानी। ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ। पिटाई तो मैं बचा लूंगा। ठीक है ना, पिटाई तो बचना, तुम्हारी वीडियो देख लियो, उसका फायदा लग गया कुछ ना कुछ सीखोगे। तैयार बैठो पिटने के लिए? ना सर। किसी ने बताया नहीं आने से पहले यहाँ पिटाई हुआ है? बुका के भेज दिया? ना सर, बताया था। बुकाना किन को है? कहाँ गए बने सिंह जी? कहाँ गए? ऑफिस में। यू क्या कर रहे? आप बाउंसर हो? ना सर, मैं इंस्ट्रक्टर हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक बात है, इनके तो इंस्ट्रक्टर ही बाउंसर है। इंस्ट्रक्टर देख लो भाई। आपकी वो वीडियो है सर, वो टूल टैक्स वाली। हाँ। मनु मौके पर आ जा करो आप। ना ठीक है, ठीक है, बढ़िया। देख लो भाई, ये इंस्ट्रक्टर साहब हैं और बाउंसर से कम नहीं है। नाम भाई जी? जमीत है सर मेरा नाम। एक बार जब आप नौकर के चलते हो गाड़ को निकलते हो गए, एक बार तुम उसी दे जाते हो गए सारे, इनका नहीं हो जाता होगा। बालक बढ़िया जी सारे। ये नगा रहा है, क्या क्या मैं पीछे हैं, ये आँखें क्या पीछे हैं, अरे नौकर के चल रहे हैं पाँच एक अंदर, आँखें क्या पीछे हैं इन्हें। चलो जी। अच्छा भाई, पिटो और आगे बढ़ो और टाइपिंग में स्पीड बढ़ाओ, ताकि पिटाई की बजाय आप लोगों ने मिठाई मिला है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन पिटाई के लिए। हाँ जी, बनी सिंह जी कहाँ गए? चलो जी, बनी सिंह जी का यूँ ज्योति टाइपिंग स्टेनो टाइपिंग कॉलेज माँ पा ने पूछ लिया, बच्चा ही बाप कटवा ली। कहाँ गए बनी सिंह जी? हाँ जी, आप तो इसे डाल बैठे हो, तो माँ जनो कुछ नहीं करते आप, हैं सारे की सर्विस बैंड रखी आपने, तो बच्चे नो भी को हैं बोले डर के आगे जीत है। तो वो पिटाई कहाँ मारी है बोले हमारे, तो लाग बढ़ जाएंगे, एक बार लगेगा तो दोबारा खाने का मौका नहीं देंगे। सर मेरे कुछ आंकड़े हैं। हाँ जी, आंकड़े दो। जैसे SSC में 2010 से मैंने ये टाइपिंग सिखानी शुरू की थी, तो उस टाइम पे मेरे पास आए थे 27 बच्चे, तो उस पिटाई के बलबूते पे 27 ही 27 लगे थे गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, वो पिटाई का कमाल था, पिटाई थेरेपी से 27 के 27 बच्चे लग गए। यानी कि जो आपके इसमें होगा और थोड़ा एक बार आपका प्रसाद ले लेगा तो उसका भला हो जाएगा, उसका बेड़ा पार। उत्तर भारत आता है सर यहाँ। अच्छा, जिसका भी रिटर्न क्लियर होता है। एक बच्चा ले लो, दाग से भी देखा मैंने। हाँ, ये गोरखपुर के भी हैं, आपने इधर स्टैंड वालों से नहीं पूछा होगा। अच्छा, ये गोरखपुर का है, एक श्यामली का है। अच्छा, और अभी थोड़ा है, दिवाली के बाद आते हैं बच्चे। दिवाली के बाद नौवीं को पिटाई की भी संभावना पूरी पूरी है। हाँ, वो जैसे मतलब ना उस टाइम पे बैच पूरी तरह से फुल चलता है, और टेस्ट का टाइम है दिसंबर जनवरी, तो यही 2 महीने बच्चों के पास। तो स्कोप क्या क्या हुआ इसमें, कितने का अचीवमेंट, कितने बच्चे लग लिए आपके? हमारा तो हमारे प्लेसमेंट गवर्नमेंट ही लगते हैं, प्राइवेट का काम है नहीं। नहीं, कई बार वो कोर्ट में नहीं, टाइपिस्ट बैठे रहे, वो भी ना, वे ना सीखते हमारे द्वारा। यहाँ तो सिर्फ सारे गवर्नमेंट वाले हैं। अच्छा, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे, ये मान लो 90% बच्चा हमारा क्लर्क है। अच्छा, किस नाम से वैकेंसी निकले इसकी? ये SSC के अंदर आती है, CHSL की, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होता है। अच्छा, और उसमें LDC और डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टें आती हैं। कितने टाइम से चला रहे हो भाई जी ये? सर 10 साल हो गए अब। और अभी तक के अचीवमेंट टोटल कितने बच्चे प्लेसमेंट लेंगे? लगभग 17-18 हज़ार बच्चे लग गए सर। बढ़िया, ये आप लोग नेताओं तो ऊपर तो काम आप दे रहे हो, फिर नेता के रोजगार दे रहे, रोजगार तो आप दे रहे हो, तभी तो यहाँ जैसे पूरा भारत आता है, जिसका भी रिटर्न क्लियर होता है। अभी ये 2017 वाली भर्ती गई है। अच्छा, तो हमारे पास महाराष्ट्र से भी बच्चे आए हुए थे। अच्छा, चलो जी, बैठे गंगा में हाथ धोने का मौका भी दे देंगे, हालांकि देसी रेट थी आपके उस पर ऑफिस पर या सेंटर पर, तो आपने मौका भी है, कोई बच्चों का संदेश देना चाहते हो पिटाई से संबंधित, जो यू प्रसाद देव बोलेगा? मैं तो सभी से ही कहना चाहूँगा, आप कहीं से भी रिटर्न की तैयारी करते हैं और कोई भी आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है, टाइप के कारण, शॉर्ट हैंड के कारण आपको नौकरी नहीं मिलती है, तो उसका एक ही इलाज है, मेरे पास आप आओ और पिटो और आगे बढ़ो। हाँ।
बस वो भी जो भी क्लास का प्रावधान रहता है। बनी सिंह जी के जो ये कॉलेज है ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज, इस पे हमने रेड मारनी जरूरी जहाँ तक समझी, क्योंकि मेरे पे शिकायत थी आपके खिलाफ, न्यूज शिकायत थी, बनी सिंह नाम का बंदा बाहर फ्लैक्स पे तो वहाँ से है, भीतर बड़कन रुआ है, तो मैंने जहाँ तक आगे तसल्ली करनी पड़ी, लेकिन जब तसल्ली करी तो पर्दे से जब पर्दा हटा तो राज खुला, वो राज के था। वीडियो देखियो साहब लाइयो, बनी सिंह जी जो पिटाई वाला प्रसाद दे रहे हैं और उसको मिठाई का नाम दे रहे हैं, उसमें कितना दम है। वीडियो ने पहली वीडियो की ढाल शेयर करो जी लगे, ताकि कुछ मैसेज समाज के अंदर दिया जा सके भाई, इनका जो उद्देश्य पिटन का उसके पीछे इनका कितना बड़ा मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गला जुड़े, मैं उतारा देसी पत्रकार करमूँ जय हरियाणा। ठोको शेयर, शेयरिंग का धुम्मा ठह दो, इसी देसी रेड तो हमने देखने मिली नहीं होगी, पिटाई भी और आगे चढ़ाई भी। चलो जी।